गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैं आपको वॉइस पढ़ा रहा था। वॉइस में अभी तक मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म बताया। आगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म जानना था, लेकिन आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इससे आगे मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं आपको सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म बता रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए कैसे आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास टेंस की बेसिक जानकारी ना भी हो, वो भी यदि हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो उनके लिए वॉइस समझना काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का जैसा कि स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, सब्जेक्ट में आपको वाज वेयर ऐड कर देना है और बी टू बदल जाएगा बी थ्री में प्लस वाई, और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में हमेशा की तरह। अब देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होता है, तो आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें कि आई बदल जाएगा मी में, बी बदल जाएगा अस में, दे बदल जाएगा देम में, सी बदल जाएगा हर में, ही बदल जाएगा हिम में, यू यू ही रह जाएगा, और एनी नेम में भी नो चेंज। ओके, तो एक सेंटेंस इस पे देखेंगे आप, आई रोट ए नोवेल, मैंने एक उपन्यास लिखी। आप देखेंगे ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, है ना। तो ए नोवेल को आप इधर से इधर ले आइए, ए नोवेल को आप इधर से इधर ले आइए, और ए नोवेल के साथ आप क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिमिलर है इसलिए हम वाज लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे वाज लगा देता हूँ ए नोवेल के साथ। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, और उसके बाद हमें वाज वेयर लगाना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा ए नोवेल है, तो यहाँ पे मैं ए नोवेल सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पे वाज लगाया। अब देखेंगे राइट रोट रिटेन, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है, और यहाँ क्या था, सेकेंड फॉर्म। तो आप देखेंगे राइट रोट क्या हो जाएगा, रिटेन, ए नोवेल वाज रिटेन बाई, देखेंगे बी थ्री के बाद आपको बाई का प्रयोग करना है, आई बदल जाएगा मी में, सिंपल है, तो आपके लिए एकदम बनाना आसान हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, है ना, एकदम ध्यान आप बोर्ड पर रखें तो आपके लिए समझना काफी आसान हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपके लिए समझना काफी आसान हो जाएगा। देखेंगे ए नोवेल, ए नोवेल ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, ए नोवेल सिंगुलर है इसीलिए मैंने यहाँ पे वाज का प्रयोग किया। उसके बाद आपने जाना कि वी टू बदल जाएगा वी थ्री में, वी टू बदल जाएगा वी थ्री में, तो मैंने क्या किया, ये राइट रोट रिटेन, मैंने इसका राइट का जो भीतरी था क्या था, रिटेन, तो मैंने उसे रिटेन में चेंज कर दिया, और भीतरी के बाद आपने बाई का प्रयोग किया और आई बदल गया मी में, एकदम सिंपल है, आपके लिए बदलना काफी आसान है। तो कुछ सेंटेंस इस पे मैं और दे रहा हूं, देखिए आप इसे कैसे आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ओके, तब तक आप इसे छाप लीजिए। ओके, तो देखेंगे छाप लिए हो तो मैं इरेज कर रहा हूं। अब हमारे साथ बने रहिए और देखिए आपके लिए एक्टिव से पैसिव चेंज करना काफी आसान है। देखेंगे कुछ और क्वेश्चन इस पे, मोहन सैंग अ सॉन्ग, देखेंगे ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट, ए सैंग को इधर, ए सॉन्ग को इधर से इधर कर दीजिए, ए सॉन्ग के साथ आप वाज लगाएंगे, है ना, और सिंग सेंग संग, है ना, सिंग का भीतरी क्या हो जाएगा, संग, और बाई मोहन। एक और क्वेश्चन देखिए, राधा गेव मी अ पेन, राधा ने मुझे एक कलम दिया, है ना, दिया था वास्तव में। अब देखिए ये सब्जेक्ट
ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, मैंने आपको इस पे दो रूल बताए थे कि आप एक तो जो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के ज्यादा करीब हो आप उसे सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, या नहीं तो ये नॉन लिविंग थिंग है, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे ए पेन इधर से इधर आ गया, ए पेन के साथ आप क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे ना, ए पेन वाज गिव गेव गिवेन, यहाँ पे आप गिवेन का प्रयोग करेंगे और गिवेन मी बाई इराधा, आप इसे ऐसे भी बदल सकते हैं। देखेंगे मी को आई में बदल देंगे, आई के साथ आप लगाएंगे वाज, आई वाज गिवेन गिवेन अ पेन बाई राधा, कोई कष्ट तो आप इसे छाप लीजिए। चलते हैं आगे और आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कैसे मैं आपको एक्टिव से पैसिव आसानी से समझा रहा हूं, है ना। और इस तरह से आप इस पैटर्न पे और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं बिहार बोर्ड के जो पिछले 10 सालों में पूछे गए जितने भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है वॉइस का, मैं उसका पैसिव फॉर्म आपको बताऊंगा, आपको मैं पैसिव से एक्टिव भी बताऊंगा और आपके लिए बदलना काफी आसान हो जाएगा, एकदम सिंपली आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम चलते हैं इसके निगेटिव स्ट्रक्चर पे। देखेंगे निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, अब वाज वेयर ऐड कर दीजिए। अब देखेंगे नॉट यू ही रह जाएगा और बी वन बदल जाएगा बी थ्री में प्लस बाय और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, कोई कष्ट। अब देखिए मैं इसे कैसे चेंज कर रहा हूं, जैसे मैं बोलू आई डिड नॉट टीच यू, आई डिड नॉट टीच यू, ये सब्जेक्ट ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में तो आपका यू यू इधर से इधर आ जाएगा, है ना। देखेंगे यू ऑब्जेक्ट था चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, यू के साथ आप क्या लगाएंगे, यू के साथ आप लगाएंगे वेयर, तो यू वेयर। उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, अटीज का भीतरी क्या होगा बच्चों टॉट, और प्यार से बाई ऐड कर दीजिए और आई बदल जाएगा मी में, कोई कष्ट तो आप इसे छाप लीजिए। चलते हैं आगे। ओके तो बच्चों थोड़ा सा मन लगा के थोड़ा सा ध्यान लगा के कुछ देर स्टडी क्या कीजिए, है ना, ऐसा ना हो कि आप घर पर जीवन का आनंद लेते रह जाए और पता चले कि आपने यूं ही जाया कर दिया, आपने समय का उपयोग किया ही नहीं। तो दोस टाइम वेस्टेड बाय यू दे विल नेवर कम बैक, ओके सो यूज योर टाइम, इसका ध्यान रखे। आगे चलते हैं, देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, बी वन बदल जाएगा बी थ्री में प्लस बाई और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। अब देखिए ये डिड था ना, तो पहले आप वाज वेयर लगा दीजिए। अब मैं बोलू Did I teach you? Same sentence मैं दे रहा हूं, देखिए Did I teach you? ये subject, ये verb, ये object, object बदल जाएगा subject में, तो you इधर से इधर आ जाएगा। अब आप बताइए you के साथ आप bear लगाते थे तो you से पहले भी bear लगाएंगे, एकदम simple है। अब देखेंगे teach का बेहतरी क्या होगा, taught होगा, by आई बदल जाएगा मी में और प्यार से क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए, एकदम सिंपली आप इसे चेंज कर सकते हैं। ओके तो बच्चों इसे आप छापते चलेंगे। चलते हैं आगे और मैं आपको बताता हूं डब्ल्यू एच। ओके एकदम सिंपल है आपके लिए, एक्टिव से पैसिव समझना एकदम आसान है। देखिए आगे चलते हैं और इसका देखिए डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच भी बदलना उतना ही आसान है
जितना कि ये आपने अभी चेंज किया है, देखेंगे डब्ल्यू एच प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में और भी वन बदल जाएगा भी थ्री में प्लस बाई और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए और डब्ल्यू एच और डिड बदल जाएगा वाज वेयर और प्लस एड कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन मैं इस पे दे रहा हूं आपको वाई डिड आई टीच यू, मैंने आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि आपने बुलाया इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। अब देखिए ये सब्जेक्ट ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, यू इधर से इधर आ गया, मैंने क्या बोला ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, यू इधर से इधर आ गया, यू के बाद आप वाज वेयर लगाते थे, यू से पहले भी वेयर लगा देंगे और डब्ल्यू एच वर्ड में कोई चेंज होगा ही नहीं। टीच का भी थ्री क्या होगा बच्चों, टॉट होगा और बाई लगा दीजिए, आई बदल जाएगा मी में, प्यार से क्वेश्चन मार्क एड कर दीजिए। इस प्रकार आप डब्ल्यू एच वर्ड स्ट्रक्चर को भी आप चेंज कर सकते हैं पैसिव फॉर्म में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, सो टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।